हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके फ़ोन पर जो बैकग्राउंड डेटा का जो सेटिंग रहता है तो ये जो सेटिंग रहता है वो किस काम में आता है ये जो बैकग्राउंड डेटा है ना वो जो सेटिंग अगर आप लोग इनेबल कर देते हैं तो इससे क्या होता है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है तो वाइज अगर आपके फ़ोन पर ये जो बैकग्राउंड डेटा है वो अगर इनेबल रहेगा तो जिस भी एप्लीकेशन में ये जो बैकग्राउंड डेटा है वो इनेबल रहता है सो so, यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन पर बैकग्राउंड में इंटरनेट यहाँ पे यूज़ करता है तो आपके फ़ोन पर जो डेटा है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगता है क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे इसको इनेबल करेंगे तो वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में आपका जो डेटा है वो लेता रहेगा तो जब आप लोग यूज़ नहीं करेंगे तो फिर भी वो जो ऐप है वो बहुत कम इंटरनेट लेगा ओके okay. ज़्यादा नहीं लेगा बस थोड़ा थोड़ा सा लेगा तो वो जो है बैकग्राउंड में रन करता रहेगा जिसके वजह से आप लोग यहाँ परेशान हो जाएंगे आपका जो डेटा है वो ख़त्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इसको बैकग्राउंड डेटा को बंद करके ही रखना चाहिए ताकि आप अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में यूज़ नहीं होना चाहिए तो आप लोग इसको बंद कर दीजिए कोई मतलब नहीं है इसको ऑन करने से तो आप लोगों को इसको इस तरीके से जो है इसको क्लिक करके इसको बंद कर देना है तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए